यहाँ पे हमारा रॉकेट बलून स्पॉटलाइट इवेंट हो चुका है कंप्लीट। सारे के सारे हमारे इवेंट ट्रैक के रिवॉर्ड्स भी आप देख सकते हो अनलॉक हो चुके हैं। तो ये है अपना फास्टेस्ट वे टू कंप्लीट दीप्स रॉकेट बलून स्पॉटलाइट इवेंट। तो करेंटली हम लोग यहाँ पे जीरो आइस क्यूब्स में एंड अब हम लोग करने वाले हैं अपने रॉकेट बलून स्पॉटलाइट इवेंट का एक स्पीड रन। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो 100 आइस क्यूब मिलते हैं अपने इवेंट के सुपर आइस बात वाले डेकोरेशन पे टैप करने के बाद, इससे अपना न्यू वाला जो इवेंट रूप है रॉकेट बलून, इसे आप अनलॉक कर सकते हो। तो इतना तो आप लोग स्टार्टिंग में कर ही लोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 300 सुपर मेडल्स तक भी करने की कुछ जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके लिए आपको यहाँ पे जो हमने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक दे रखी है उसे क्लेम करने पर आपको मिल जाएगा यहाँ पे अप टू 150 मेडल्स एंड 150 आइस क्यूब्स। तो उसके साथ आपका यहाँ पर जो हो जाएगा भाई वो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक भी आगे बढ़ जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे थोड़े बहुत मेडल्स भी मिल जाएंगे। तो यहां से तो आपकी शुरुआत हो रही है 450 मेडल से। तो वेलकिस जैसे कि आपको शायद पता होगा, जस्ट लाइक अपना सुपर ड्रैगन स्पॉटलाइट इवेंट, यहां पर भी आपको एक स्टार करने पर 150 आइस क्यूब्स मिलते हैं, लेकिन हमें बोनस यहां पे मिला है सिर्फ 0 आइस क्यूब, बिकॉज हमने यहां पे एक भी रॉकेट बलून को यूज नहीं किया है। तो यहां पे मैं जो आर्मी ट्रेन करने वाला हूं उसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आर्मी मैं यूज करूं वहां पे कम से कम एक रॉकेट बलून हो। अगर आप रॉकेट बलून अपनी मेन आर्मी में नहीं डालना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पे अपने क्लैन कैस्टल में एक रॉकेट बलून को ऐड कर लो, पर ज्यादा सिंपल यही है कि अपने आर्मी अंदर आप एक ना एक रॉकेट बलून को जरूर ट्रेन करो, बाकी की आर्मी आप अपने हिसाब से यहां पे सेट कर सकते हो। आप कोई सी भी आर्मी यूज कर सकते हो, बस एक ना एक रॉकेट बलून उसके अंदर होना चाहिए, वरना आपको बोनस नहीं मिलेगा। इसके बाद गाइस यहां पे जो आपका बेसिकली रिवॉर्ड्स है इसके अंदर से आपको 30% ट्रेनिंग बूस्ट सबसे पहले क्लेम कर लेना है। ये काफी इफेक्ट में आएगा, अगर आप लोग यहां पे इसको क्लेम कर लेते हो तो आपकी जो ट्रेनिंग स्पीड है वो 30% से बढ़ जाएगी। इसके ऊपर से अगर आप लोग यहां पे अपना ट्रेनिंग पोशन यूज कर लेते हो फिर तो और ज्यादा यहां पे ट्रेनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। एंड वेल गाइस इस वीडियो में हम लोग फास्टेस्ट वे कवर कर रहे हैं उसमें ना तो हम लोग यहाँ पे क्लैन कैस्टल ट्रूप को यूज करने वाले, मतलब कम से कम ट्राई करेंगे कि उनकी जरूरत ना पड़े, और साथ ही में हम लोग अपनी आधी आधी आर्मी से पूरे बेसिस को उड़ाने की ट्राई करेंगे। इससे हमारा कम से कम टाइम लगेगा जल्दी से जल्दी इस इवेंट को कंप्लीट करने में। तो ये कुछ प्रो टिप्स हैं इस इवेंट को फास्टेस्ट वे में कंप्लीट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली आप लेजेंड लीग में आधी आर्मी से तो बेस उड़ाना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, तो अपने ट्रॉफीज को आपको डाउन करना पड़ सकता है अगर आप टाइटन लीग वगैरह में हो। अगर आप बिल्कुल यहाँ पे एक्टिव रहते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रॉफी डाउन करके एक दो दिन में वापस टाइटन लीग रीच करने के लिए। तो इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए आप ट्रॉफीज को डाउन कर सकते हो, क्रिस्टल लीग के नीचे मत जाना, बस मास्टर लीग में करंटली मैं हूं एंड मुझे काफी इजी बेसिस यहां पे मिल रहे हैं तो मैं इसी पे स्टे करते आगे बढ़ूंगा। अब गाइस जैसे कि हम लोगों को ये वाला एक बेस मिला है, इसमें हमें यहां पे एक्चुअली में देखने की जरूरत भी नहीं है कि बेस 3 स्टार होगा कि नहीं, हम लोग बस यहां पे अपनी आर्मी को यहां पे ड्रॉप करके बैक कर लेंगे। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, स्पेल्स को बिना यूज किए बेसिकली अटैक कर रहा हूं। यहां पे सारे के सारे अपने ट्रूप्स को ड्रॉप कर देते हैं, पीछे से हमारा ग्रैंड वार्डन, सारी वॉल्करीज, यहाँ पे अपना अप्रेंटिस वार्डन, एंड अब हम लोग क्या करेंगे वार्डन की एबिलिटी को यूज करेंगे एंड गेम को एक बार बंद करके चालू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी टाइम भी इसमें नहीं जाएगा एंड जैसा कि आप देख सकते हो बेस यहाँ पे हो चुका है गाइस 3 स्टार। तो ऐसे इजी इजी बेस अगर आपको मिलेंगे तो आप आराम से बेसिस को 3 स्टार कर सकते हो विदाउट इवन यूजिंग स्पेल्स और क्लैन कैस्टल, और इससे आपका काफी टाइम बचेगा बिकॉज क्लैन कैस्टल के अलग से वेट करना पड़ता है, स्पेल्स के लिए अलग से, वरना फिर आपको रेड मेडल्स वेस्ट करने पड़ेंगे। वेल गाइस हम लोग को यहाँ पे वापस एक मिल चुका है डेड बेस जिसको 3 स्टार करना बहुत ही ईजी होगा एंड ऑल्सो विदाउट यूजिंग क्लैन कैस्टल ट्रूप्स। देखते हैं क्या हम इस बेस को 3 स्टार कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे चांस खेलने वाले हैं लास्ट टाइम जैसे अपना टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले इस साइड से इलेक्ट्रो ड्रैगन, इस साइड से इलेक्ट्रो ड्रैगन, बीच में सारे के सारे रॉकेट बलून और पीछे से हमारे सारे वापस से इलेक्ट्रो ड्रैगन, एंड मे बी इन 2-3 चीज़ों को फ्रीज भी करके ही गेम को बंद करते हैं। यहाँ पर हम लोग वार्डन की एबिलिटी का यूज़ करते हैं एंड अब हम लोग अपने गेम को क्लोज कर देते हैं। लेट्स सी भाई क्या होता है, देखते हैं क्या हमारा जो बेसिकली लास्ट टाइम जैसे हमको 3 स्टार मिला था इस बार भी 3 स्टार होता है। तो वेल गाइस यहाँ पे वापस हो चुका है ये 3 स्टार जस्ट लाइक लास्ट टाइम। तो वंस अगेन हम लोग को यहाँ पे एक आसान सा बेस मिल चुका है, यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज करेंगे, एक यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन, एक यहाँ पे, बीच में अपने सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन, पीछे से सारे रॉकेट बलून्स। यहाँ पे हम लोग बाकी सारे अपने हीरोज की एबिलिटी को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी क्वीन की एबिलिटी, ये हमारी वार्डन रॉयल चैंपियन की एबिलिटी, एंड गाइस पर स्टार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं 150 अपने यहाँ पे आइस क्यूब्स। तो अगर आप 3 स्टार कर रहे हो मतलब 450 विथ टाइम इवेंट में आगे यहाँ पे ये चीज़ इंक्रीज भी होगी, लाइक पर स्टार आपको 200 मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर और बढ़ता जाएगा ये नंबर। एंड गाइस हमने यहाँ पे क्योंकि रॉकेट बलून को यूज़ किया है तो हमको यहाँ पे जितना हमने आइस क्यूब यहाँ पे स्टार से कलेक्ट किया उसका हाफ हमारा बेसिकली ऐसा बोनस हमको मिलता है। तो यहाँ पे रॉकेट बलून को यूज करने से आप ऑब्वियसली लगभग डबल स्पीड से काम कर रहे हो। वेल गाइस नेक्स्ट ट्रैक हम लोग कर रहे हैं इस वाले बेस के ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग इस बार रॉकेट बलून से ये जो बाहर की तरफ जो डिफेंसेज हैं इनको क्लियर आउट कर लेंगे। इसके बाद हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन, पीछे से हमारे बचे हुए रॉकेट बलून्स, एंड इस बार हम लोग स्पेल्स का यूज नहीं करेंगे, सारे हीरोज को ड्रॉप करके यहाँ पे हम लोग वार्डन की एबिलिटी यूज कर लेंगे
एंड बस अब हम लोग गेम को एक बार रिफ्रेश करेंगे चेक करने के लिए क्या ये अटैक 3 स्टार होता है कि नहीं। तो वेल गाइस, हमारा अटैक हो चुका है 3 स्टार। वंस अगेन गाइस, हम लोग को यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा बेस मिल चुका है। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज करने वाले हैं, दोनों साइड से एक इलेक्ट्रो ड्रैगन, बीच में हमारे सारे के सारे रॉकेट बलून्स एंड पीछे से हमारे सारे वापस से जो बचे हुए इलेक्ट्रो ड्रैगन्स हैं। एंड लिटरली हमने यहाँ पे कोई स्पेल या क्लैन कैस्टल यूज़ किए बिना वापस से बस सेम चीज़ करनी है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वार्डन की एबिलिटी को और हम लोग अब करेंगे अपने गेम को एक बार बंद करके चालू। यहाँ पे हम क्लोज को टैप इसलिए करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। लिटरली सिर्फ 20 से 30 सेकंड हमें लगते हैं एक अटैक करने में एंड बाकी टाइम में हम लोग सारे अपने दूसरे काम कर सकते हैं, हमें गेम को देखने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन, ये अटैक भी हो चुका है 3 स्टार विदाउट यूजिंग स्पेल्स और एनी क्लैन कैस्टल ट्रूप्स। तो इस तरीके से हम लोग क्लैन कैस्टल ट्रूप या अपने स्पेल्स के बिना 3 स्टार कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग ट्रूप एंड हीरोज। एंड गाइस, यहां तक आप लोग ये चीज समझ ही गए होंगे मेरा गेम में कितना कम टाइम लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20 से 30 सेकंड मुझे पर अटैक लग रहे हैं, बाकी टाइम में मुझे यहाँ पे गेम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस मुझे इतना देख के रखना पड़ता है मेरी 8 मिनट में आर्मी ट्रेन होगी, तो मैं 8 मिनट तक यहाँ पे गेम को बंद रखूंगा। जैसे ही यहाँ पे आर्मी ट्रेन होगी वापस मैं आऊंगा एंड एक अटैक 20-30 सेकंड में करके वापस से चला जाऊंगा। तो ऐसे करते करते 20-20-30-30 सेकंड से हम लोग यहाँ पे आराम से इस इवेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने 15-20 मिनट यूज करके इस इवेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ इस तरीके के बेसिस भी मिल जाते हैं जो कि एक फ्री के गिफ्ट टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो, सिंपल हम लोग को जिस साइड एयर डिफेंस है वहां पे अपने हीरोज को ड्रॉप करना है एंड जहाँ पे अपने बेसिकली सिंपल चीजें हैं जहाँ पे एयर डिफेंसेस वगैरह नहीं है वहाँ पे हम लोग अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन को ड्रॉप करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना सारे के सारे रॉकेट बलून को डाल के पीछे से वार्डन को लगा देते हैं। अभी तक मैंने वार्डन को एयर मोड पे नहीं किया क्या भाई, जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसी 3 स्टार हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली वार्डन की एबिलिटी का यूज कर लेते हैं एंड जो 2 स्पेल्स बचे इनको भी ऐसी स्वैग कर देते हैं। और बहुत देर से न्यू स्पेल्स ट्रेन होने की जगह ही नहीं रही क्योंकि हम स्पेल्स यूज ही नहीं कर रहे हैं मतलब। तो ये बेस भी हो चुका है भाई साहब 3। बाकी भाई, आप यकीन नहीं करोगे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कैसे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मेरी 8 मिनट होती है वापस से मैं रिकॉर्ड करने बैठ जाता हूँ। बीच वाले टाइम में यहाँ पे मैं वीडियो यूट्यूब पे बैठ के देख रहा हूँ तो टाइम भी बड़ी आसानी से निकल रहा है, मजे भी आ रहे हैं, साथ में अपना इवेंट भी कंप्लीट होता जा रहा है। तो इसे आप फास्टेस्ट वे बोल सकते हो। ऑब्वियसली टाइम आपको लगेगा, मतलब आपका टाइम तो लगेगा लेकिन आपको कितना टाइम गेम में इन्वेस्ट करना है वो आपको कम से कम इस ट्रिक से लगेगा। बिकॉज जैसा कि आपने देखा मैं 20-20 सेकंड में एक अटैक कर रहा हूँ, कुछ कुछ अटैक्स मुझे पूरा देखना पड़ता है, उसमें मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है एंड हमारा अटैक कंप्लीट हो जाता है। तो इस ट्रिक के हेल्प से आप लोग कम से कम टाइम में अपना कम से कम टाइम गेम में डालते हुए अपना इवेंट को कंप्लीट कर सकते हो। एंड गाइस, ये इवेंट कंप्लीट करते करते मेरा यहाँ पे जो है भाई लीग भी प्रमोट हो गई, साथ ही मेरे पास इनफ एलिक्सर भी आ चुके हैं कि अपने ग्रैंड वार्डन को मैं अपग्रेड कर लूं। तो पहले तो ग्रैंड वार्डन को हम लोग एयर मोड पे कर लेते हैं और इसे अपग्रेड पे लगा देते हैं। मेरे पास आई गेस बुक ऑफ हीरोज है तो इसे हम इंस्टेंटली फिनिश भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी जो लूट है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिला है भाई साहब एक डेड बेस जिसको ऑब्वियसली हम काफी इजिली 3 स्टार कर सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किंग एंड क्वीन को डालते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 रॉकेट बलून को डालते हैं, पीछे से अपना एक इलेक्ट्रो ड्रैगन डालते हैं। फिलहाल ये बेस तो हो चुका है 3 स्टार। वंस अगेन, हमको 600 प्लस हमको यहाँ पे आइस क्यूब्स मिल चुके हैं। यहाँ पे हमारा रॉकेट बलून स्पॉटलाइट इवेंट हो चुका है कंप्लीट। सारे के सारे हमारे इवेंट ट्रैक के रिवॉर्ड्स भी आप देख सकते हो अनलॉक हो चुके हैं। तो ये है अपना फास्टेस्ट वे टू कंप्लीट दीप्स रॉकेट बलून स्पॉटलाइट इवेंट।